नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया था और हमने देखा कौन कौन सी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी पहली है। हमने उसमें दामोदर भांगड़ा नांगल परियोजना के बारे में पढ़ा, कोसी रियंग परियोजना, चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना और भी हमने कई सारी परियोजनाओं का उसमें वर्णन किया। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। 15 नंबर तक हमने लिखा था सरदार सरोवर परियोजना, पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा आप, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब 16 नंबर पर देखिए कौन सी है बहुत ही महत्वपूर्ण, केन बेतवा लिंक। केन बेतवा लिंक परियोजना, अब इसमें इसका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले बात आती है कि नदी कहां पर है। चित्र बना देता हूं मैं, एक केन और बेतवा दो नदियां हैं छोटी छोटी, केन और बेतवा दोनों एमपी में, एमपी से निकलकर ये जाती है और यमुना में जाकर मिलती है। केन और दो नदियां, इनका एक लिंक बनाया ताकि ये मध्य प्रदेश में एमपी एमपी में से दोनों नदियां निकलती है और जाकर मिलती है यमुना नदी में, सहायक नदी यमुना की। जब हमने यमुना पढ़ा था तो वहां पे मैंने आप लोगों को लिखा दिया था कि यमुना में कौन कौन सी सहायक नदियां, तो केन बेतवा जो एमपी से जाती है ये जाके मिलती है यमुना में यूपी में। तो पहला तो ये एमपी की बहुत ही प्रमुख परियोजना है। अब इसका उद्देश्य क्या था? नदियों को जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था। भारत में नदी जोड़ो परियोजना जो चलाई गई थी उसका पहला यानी प्रथम परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्रथम परियोजना जो बनाई गई वो बनाई गई केन बेतवा लिंक परियोजना। तो पहला तो ये हो गया। अब ये जब चलाई गई तो इसको क्या नाम दिया गया था? अमृत क्रांति। नदी जोड़ो परियोजना को नाम दिया गया था अमृत क्रांति, और जिसमें प्रथम परियोजना जो बनाई गई वो बनाई गई केन बेतवा लिंक परियोजना। ये 2005 के लगभग प्रारंभ की गई थी। तो अमृत क्रांति पूछे किसका संबंध है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। भारत में प्रथम परियोजना कौन सी बनाई गई? इसके तहत केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई गई। यह भी एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, इसका आप एक बार शॉट ले लीजिए। फिर और भी परियोजना है, मैं इसको मिटा देता हूं। किशाऊ परियोजना, किशाऊ परियोजना जो कि उत्तराखंड में संचालित है और नदी का नाम है टोंस नदी। टोंस नदी पर किशाऊ परियोजना उत्तराखंड में संचालित है, टोंस नदी पर संचालित है, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। अब हालांकि यह नदी तो टोंस उत्तराखंड में, लेकिन यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों को लाभान्वित करेगी, यानी दोनों से लाभ प्राप्त करेंगे। तो लाभान्वित राज्य हो गए उत्तराखंड और हिमाचल। अब इसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा है, हालांकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर केंद्र सरकार ही पैसा खर्च करती है, और कितना? 90% जो खर्च है 90% केंद्र सरकार वहन करेगी।
यानी इन दोनों को मिला के करना है केवल 10%, यानी इनको केवल 10% खर्चा करना है, जिसमें से 5% इसका और 5% इनका, यानी इनको भी बहुत कम खर्चा करना है इस परियोजना में। सारा खर्च केंद्र सरकार ही करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना ये टोंस नदी पर उत्तराखंड में। टोंस नदी पर इसके बगल में मैंने किशाव लिख दिया ताकि समझ में आ जाए टोंस नदी पर किशाव परियोजना। फिर इसके बाद एक परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण, रेणु का बांध परियोजना, रेणु का बांध परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में संचालित है गिरी नदी पर, एक छोटी नदी गिरी नदी पर संचालित है, परंतु अब यह है तो हिमाचल प्रदेश में रेणु का लेकिन इससे जो लाभ मिलेगा वो लाभ मिलेगा दिल्ली को, दिल्ली की को पेयजल प्राप्त, इससे दिल्ली को पेयजल प्राप्त होगा, दिल्ली के लिए बनाई गई है हिमाचल में गिरी नदी पर। लाभान्वित कौन हो रहा है? दिल्ली। बनाई कहां गई है? हिमाचल प्रदेश में। लाभान्वित हो रहा है दिल्ली को, पेयजल प्राप्त होगा इस परियोजना से। तो इसका भी आप एक बार शॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुनाखा परियोजना जो है, ये बुनाखा परियोजना जो बनाई गई है भूटान में बनाई जा रही है, भारत सरकार द्वारा भूटान में बनाई जा रही है और इसे बना रहा है टिहरी हाइड्रो पावर। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसको बना रहा है आपके भूटान के लिए, भूटान के लिए बनाई गई है, छोटी परियोजना है। इसके बाद बीसवीं पंचेश्वर परियोजना। पंचेश्वर परियोजना का नाम अगर आपने सुना हो, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, नेपाल में बनाई जा रही है और नदी का नाम है महाकाली। तो इसमें नेपाल प्लस भारत की हिस्सेदारी है क्योंकि भारत सरकार बना रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। पूछा जाए पंचेश्वर कहाँ की है तो नेपाल के साथ बनाई जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। फिर आ जाते हैं नीचे और 21 उकई परियोजना, उकई परियोजना 21 नंबर जो कि हम पढ़ चुके हैं तापी नदी में, ताप्ती या तापी नदी पर बनाई जा रही है गुजरात में। उकई जो सूरत से 100 किलोमीटर के लगभग पड़ता है उकई, वहां पर ये बनाई गई है तापी में, तापी नदी पर गुजरात में बनाई गई है उकई परियोजना। उकई नामक स्थान पर एक परियोजना है उकई परियोजना, वो बनाई गई है तापी नदी पर, ये बनाई जा रही है। तो ये मैं लिख देता हूं पंचेश्वर नेपाल में, नेपाल और भारत का है संयोजन, यहां पर उकई परियोजना। मैं आपको जब तापी नदी मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां मैंने लिखा था इस पर उकई परियोजना संचालित है गुजरात में, वहां मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये
इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दांतेवाड़ा परियोजना, दांतेवाड़ा परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, ये बनाई जा रही है बनास नदी पर और ये गुजरात, गुजरात का एक जिला है बनासकांठा। बनासकांठा जिले में गुजरात में ये बनास नदी पे बनाई जा रही है। अब ये परियोजना पूछे तो पूछा कि दांतेवाड़ा परियोजना कहाँ की, तो आपको लगाना गुजरात। दांतेवाड़ा या दंतेवाड़ा एक जिला है, वो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। तो इसके नाम से आप ये मत लगा देना कभी भी परीक्षा में आंसर, ये दांतेवाड़ा परियोजना जो बनास नदी पर गुजरात में मनाई जा रही है, दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ में है। तो ये नहीं होगा कि उसके नाम से आप छत्तीसगढ़ राज्य कभी लगा दें, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने बता दिया है ताकि आपको परीक्षा में कोई भी कंफ्यूजन ना बने। इसके बाद और देखते हैं, कोयना परियोजना, कोयना परियोजना, कोयना परियोजना जो कि कृष्णा की, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कोयना पर महाराष्ट्र संचालित है कोयना परियोजना। तो यहाँ तो दांतेवाड़ा और यहाँ पर कोयना, कोयना महाराष्ट्र में, बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर इसके बाद अगली नागार्जुन सागर, सागर परियोजना, पहले हम पढ़ चुके हैं कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी पर संचालित है और आंध्र प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। नागार्जुन सागर जो कि एक दार्शनिक थे उन पर आधारित, उनके नाम पर आधारित नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी में मनाई जा रही है आंध्र प्रदेश में, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। ये भी हम लिख चुके, जहाँ हमने कृष्णा नदी पढ़ी थी वहां पर हम लिखा चुका हूँ मैं आपको, एक बार नोट कर लीजिए आप। फिर आगे देखते हैं, पच्चीस नंबर पर देखते हैं हम कौन सी है, वो है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा परियोजना जो कि तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई। तुंगभद्रा नदी हमने पढ़ी थी, ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है कर्नाटक में, तो वहां पर यह परियोजना संचालित की जा रही है। लेकिन इसमें जो लाभ है, लाभ दो राज्यों को मिलेगा, एक तो आंध्र प्रदेश को मिलेगा और एक कर्नाटक, इन दोनों राज्यों को इससे लाभ मिलेगा, तो दो राज्यों की परियोजना भी इसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद शरावती परियोजना जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में संचालित है, कर्नाटक की प्रमुख परियोजना शरावती नदी पर संचालित है। अब इस परियोजना में क्या होगा कि बंगलोर को, बंगलोर को बिजली मिलेगी, खास तौर से बंगलोर जो कि एक औद्योगिक नगर है उसको, वहां पर बिजली मिलेगी उसके उद्योगों को, साथ ही इससे गोवा को भी लाभ मिलेगा शरावती, क्योंकि जहाँ शरावती उसके ऊपर गोवा है राज्य है। हमने पढ़ी थी शरावती नदी, मैंने बताया था कि जो जलप्रपात है जिसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात भी है, जो कि 253 मीटर के लगभग ऊंचाई पर है, जो कि शरावती नदी पर कई सारी परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है। तो ये परियोजना कर्नाटक में है, तो तुंगभद्रा
और शराब। कर्नाटक में, आप नोट कर लीजिए एक बार। फिर इसके बाद पोचमपार परियोजना, पोचमपार परियोजना 26वीं बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ये भी, जो कि गोदावरी नदी पर संचालित है। आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में संचालित है पोचमपार। पोचमपार परियोजना आंध्र प्रदेश में। फिर 27 नंबर पर हम देखते हैं कौन सी है। इसके बाद पोलावरम परियोजना, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना पोलावरम परियोजना। इसका एक और नाम है इंदिरा सागर बांध। ये एक और इसका नाम है इंदिरा सागर बांध परियोजना, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है गोदावरी नदी पर, जो कि आंध्र प्रदेश में संचालित है। गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में संचालित है पोलावरम। अब ये जो परियोजना है ये बहुत ही विवादित रही भारत में, और ये विवाद किन राज्यों के मध्य था, चार राज्य थे इसमें शामिल जिनके बीच में ये विवाद था। अब ये चार राज्य कौन कौन से हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस परियोजना को लेकर इन चारों राज्यों के बीच में विवाद था, बाद में धीरे धीरे सुलझाएंगे, अभी भी विवाद के कुछ हिस्से जो है बाकी। तो इससे भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। पूछा सकता है पोलावरम परियोजना कहाँ संचालित है, आंध्र प्रदेश में, लेकिन किस किस के बीच में विवाद था, इन सब के बीच में, राज्यों के बीच में विवाद था इसको लेकर, नोट कर लीजिए आप एक बार। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद 29 नंबर पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांबिकुलम अलियार परियोजना, प्रांबिकुलम अलियार परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। यह दो राज्यों की परियोजना है, मुख्य रूप से तमिलनाडु प्लस केरल। अब इसमें अन्नामलई पर्वत हमने पढ़ा और कारामम पर्वत भी हमने पढ़ा। छोटी छोटी नदियां निकलती यहां से, 6 नदियां, और यहां से निकलती 2 नदियां। इन नदियों को आपस में जोड़कर यह परियोजना बनाई जाएगी, पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना। 6 तो अन्नामलई पर्वत से निकलने वाली नदियां, 2 नदियां कारामम। यहां पर इन नदियों में इन दोनों को सुरंग के माध्यम से, सुरंग से जोड़ा जाएगा। इन दो यहां से जो दो छोटी छोटी नदियां हैं उनको सुरंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। दक्षिण भारत की प्रमुख ये नदियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां। फिर इसके बाद एक और है अलमाटी बांध परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी पर तो है लेकिन इससे लाभान्वित लाभ जो मिलेगा वो 3 राज्यों को, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। 3 राज्यों को लाभ मिलेगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, 3 राज्य लाभान्वित होंगे
इस बांध परियोजना से पूछा जा सकता, पूछा भी गया कई सारी परीक्षाओं में, अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पे, बांध कृष्णा नदी पर है, ये बनाया गया आंध्र प्रदेश में, बांध आंध्र प्रदेश में है, ये एपी में, ये बांध आंध्र प्रदेश में यानी बनाया गया है बांध, लेकिन लाभान्वित ये राज्य हो रहे हैं इससे। तो ये भी कुछ परियोजना है, पेराम्बिकुलम और इधर हम अलमट्टी बांध। तो ये कुछ मैंने आपको समझाई, ये प्रमुख प्रमुख परियोजना है, और भी परियोजना है उनके भी नाम हम लिख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं उसकी भी, कहाँ कहाँ पर कौन सी है, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, लिस्ट बना लेते हैं हम एक बार। चित्र आपने नहीं बनाया हो तो चित्र एक बार बना लीजिए मोटा मोटा समझने के लिए, केवल दोबारा नया चित्र बनाना पड़ेगा मुझे। और हम देखते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं भारत में, प्रमुख प्रमुख परियोजनाएं भी देख लेते हो। केवल आप यदि राज्यों के नाम भी याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ये। तो हम यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सी परियोजना है, तो यहाँ पर आप लिस्ट बना लीजिए, जैसे परियोजना का नाम, जो भी चीज़ मैं लिखा रहा हूँ उसे नोट करते जाइएगा, किस नदी पर है और कौन कौन से राज्य जो है लाभान्वित है, लाभान्वित राज्य कौन कौन से है यह भी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम, निम्मो बाजमो, निम्मो बाजमो परियोजना जो कि सिंधु नदी पर संचालित है, सिंधु नदी पर लद्दाख क्षेत्र में, फिर इसके बाद किशनगंगा परियोजना जो कि किशनगंगा नदी पर ही है, किशनगंगा झेलम की एक सहायक नदी है, हम पढ़ चुके हैं किशनगंगा को झेलम की सहायक नदी में, और यह है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में संचालित ये दोनों, तो इधर तो निम्मो बाजमो, इधर आप दे दो किशनगंगा परियोजना। आशा आपको चित्र में से भी समझ में आ जाएगा, दोनों से हम बनाते हुए चलेंगे। फिर नीचे आते हम हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो देखते हम सुइल नदी पर, छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश, एक छोटी नदी है उस पर संचालित है सुइल परियोजना, बाद में फिर इसके बाद पोंग परियोजना, पोंग परियोजना भी हम पढ़ चुके थे नदियों में, जो कि व्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। तो दो परियोजना और यहां पर याद रखिएगा, सुइल और ओंग परियोजना। फिर इसके बाद नीचे आ जाइए, रामगंगा परियोजना जो कि रामगंगा नदी पर ही है और उत्तराखंड में संचालित है। फिर देवसारी बांध परियोजना
देवसारी बांध परियोजना जो आपने देख सुनी हो काफी विवादित रही थी, काफी विवाद रहा था देवसारी बांध परियोजना में उत्तराखंड में। बहुत विवाद के बाद ये परियोजना बन पाई, पिंडर नदी पर ये संचालित है और वो भी उत्तराखंड में। दो आ गई आपके रामगंगा और देवसारी। दो परियोजना बस, तो इसे आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे आते हैं, इधर इस तरफ पंजाब की तरफ देखते हैं। पंजाब में रंजीत सागर बांध बांध जिसे थीन बांध भी कहते हैं, परियोजना रंजीत सागर बांध या थीन बांध भी इसे कहा जाता है, जो कि पंजाब राज्य में आपको देखने को मिलेगी और रावी नदी पंजाब में संचालित बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना रावी नदी पर। रंजीत सागर इसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा, फिर बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पे, सोन नदी जो कि एमपी से जाती है और पटना में जाके गंगा में मिलती है, तो इससे जो लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है एक तो मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को लाभान्वित हो रही है और बिहार, तीनों की संयुक्त परियोजना कह सकते हैं इसको। हालांकि सोन नदी निकलती तो मध्य प्रदेश में, लेकिन लाभान्वित ये तीनों राज्य हैं इस बाण सागर परियोजना। गंडक परियोजना जो कि गंडक नदी, गंगा की सहायक नदी जो कि माउंट एवरेस्ट के पास से आती है गंडक नदी, और इससे लाभान्वित राज्य जो हैं वो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों इससे लाभान्वित हैं गंडक परियोजना से। फिर आती है माता टीला परियोजना जो कि बेतवा, अभी हमने पढ़ा केन बेतवा नदी, बेतवा नदी जो कि एमपी में बहती है उस पर है, दो राज्यों का हिस्सा है इस पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना में मिलती है तो दो राज्यों का हिस्सा है। मैं यहां बना देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। सागर के बाद इधर वाली हो गई, इधर हो गई माता टीला। नोट कर लीजिए आप इसे एक बार, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो कि बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होगा। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गई है। फिर आगे इसके अलावा आगे संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना जो कि वैन गंगा नदी पर मध्य प्रदेश के बनाई गई। तो रानी लक्ष्मीबाई तो इधर यूपी के लिए,
और वेण गंगा पर यहाँ पर संजय सरोवर, मध्य प्रदेश से जो नदी निकलती है गोदावरी की सहायक नदी है वेण गंगा, हमने लिखा था गोदावरी की सहायक नदियों में नाम लिख चुके हम पहले भी। इसके बाद काकरा पार परियोजना, काकरा पार एक परमाणु यहाँ पर संयंत्र है काकरा पार में, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना हम लिख चुके हैं, तापी नदी पर है, पहले तापी नदी, तापी या ताप्ती नदी जिसे हम कहते हैं गुजरात, तो इससे लाभान्वित होगा ही। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना गुजरात पढ़ चुके हम पहले, तापी नदी में लिख चुके हैं हम इसको भी। फिर इसके बाद साबरमती परियोजना जो कि साबरमती नदी पर है, यह भी गुजरात में संचालित है। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर गुजरात में। नर्मदा सागर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है गुजरात और मध्य प्रदेश, दो राज्य इससे लाभान्वित होंगे गुजरात और मध्य प्रदेश नर्मदा सागर परियोजना से। इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। इसे नोट कर लीजिए आप एक बार। आगे बढ़ते हैं फिर नीचे आते हैं थोड़ा दक्षिण की तरफ, तो आप देखेंगे पौना परियोजना, पौना नदी पर महाराष्ट्र, छोटी नदी है बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, लेकिन पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी पर, पूर्णा नदी का नाम है, छोटी नदी है ये भी, पढ़ चुके हम गोदावरी की सहायक नदी है महाराष्ट्र पर, पढ़ चुके हम ऊपरी वेण गंगा परियोजना, ऊपरी वेण गंगा परियोजना जो कि वेण गंगा नदी गोदावरी की सहायक नदी है महाराष्ट्र, लाभान्वित महाराष्ट्र होगा। तो तीन प्रमुख परियोजना हो गई महाराष्ट्र की, पौना, पूना और ऊपरी वेण गंगा, ये तीनों महाराष्ट्र की हो गई प्रमुख परियोजना। फिर आ जाइए तेलुगु, तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है, लाभान्वित राज्य है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी दक्षिण के चार बड़े राज्य इससे लाभान्वित होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके बाद श्रीशैलम परियोजना जो कि यह भी कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की प्रमुख परियोजना है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। चित्र में भी लिख देता हूं मैं, तेलुगु गंगा और श्रीशैलम, इसको आप मैप में अच्छे से बना सकते हैं, आपके पास बड़ा मैप हो, मेरे पास थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, बना सकते हैं इसको भी, तो नोट कर लीजिए इसको एक बार। फिर आगे बढ़ते हैं और लिख लेते हैं थोड़ी सी और है, मैप बनाकर यदि आप मैप बनाकर याद करने का प्रयास करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, थोड़ा समय जरूर लगेगा पर याद हो जाएगी आराम से, थोड़ा समय लगता है जब एक से अधिक चीजें याद करनी हो तो उसमें समय जरूर लगता है।
इसके बाद शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, यहां पे जल विद्युत संयंत्र लगाया गया है कावेरी नदी जो कि कर्नाटक को लाभान्वित। कावेरी नदी में हम पढ़ चुके हैं शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना को, यहां पर हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हिटकल परियोजना जो कि घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में, घाट प्रभा कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा उस पर। फिर घाट प्रभा परियोजना, तो ये तो घाट प्रभा पर ही है कर्नाटक, तो ये तीन परियोजना जो है कर्नाटक में है। अभी चित्र में बना देंगे, बाद में लिख लेते हैं। पहले मेटूर परियोजना कावेरी नदी में है तमिलनाडु पर, तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप। चित्र में बना देता हूं मैं, तमिलनाडु में मेटूर और इधर हम देखते हैं शिव समुद्रम और हिटकल घाट, ये सब कर्नाटक में संचालित है। नोट कर लिया होगा आपने, ये मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। एक दो और जो है वो देख लेते हैं। सबरीगिरी परियोजना जो कि पंबा नदी पर है, पंबा को कक्की नदी, एक इसकी छोटी सहायक नदी कक्की, तो उसके आधार में कभी कभी पंबा को भी कक्की बोल देते हैं, केरल में संचालित है। बहुत ही अच्छी परियोजना है ये भी। पेरियार परियोजना, पेरियार नदी हमने पढ़ी थी, नाव दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, केरल में ये संचालित है। तो दो केरल की हो गई प्रमुख, सबरीगिरी और पेरियार, ये दोनों परियोजना सबरीगिरी और पेरियार केरल की प्रमुख परियोजना। एक परियोजना और लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना कालपोंग परियोजना। अब ये कालपोंग परियोजना जो है कालपोंग नदी पर है, नदी का नाम भी कालपोंग है, पर ये नदी कहाँ है? अंडमान निकोबार। तो यहां पे आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये परियोजना पूछेगा तो ज्यादातर मुख्य राज्यों की तरफ ध्यान रहता है, तो गलती होने की संभावना है। ये अंडमान निकोबार की प्रमुख परियोजना है, मैं बना देता हूं चित्र में। यहां पर अंडमान निकोबार, कालपोंग परियोजना यहां पर संचालित है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, ध्यान रखिए। तो ये कुछ प्रमुख और भी बहुउद्देशीय परियोजना है। थोड़ा चित्र बनाकर आप घर पे राज्यों का जो मानचित्र आता है वो बनाकर आप समझने का प्रयास करेंगे ओरिजिनल मैप को देखते हुए, तो आपको जरूर याद होगी। और याद करने के साथ ही आपसे जो सा प्रश्न पूछा जाए, सुमेलित करने वाला हो या एक राज्य के बारे में पूछा जाए या किस कौन कौन से लाभान्वित राज्य हैं इन परियोजनाओं से, तो ये पूछे जाए तो आप आंसर लगा सकते हैं। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी, ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो ये हमने बहुउद्देशीय परियोजना वाला टॉपिक कंप्लीट किया, इसके आगे हम पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।